Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we are going to discuss about basic forms of literature. आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है, बिकॉज आज हम बेसिक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे और बीच बीच में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर फाइव बेसिक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. नंबर वन पोइट्री, नंबर टू प्रोज, नंबर थ्री फिक्शन, नंबर फोर नॉन फिक्शन, नंबर फाइव ड्रामा. What do you mean by poetry? Poetry, literary work in which the expression of feeling and idea is given intensity by the use of distinctive style and rhythm, poems collectively or as a genre of literature. Poetry एक literary work होता है जिसमें express की जाती हैं अपनी feelings और idea को, और उसको एक तीव्रता से, इंटेंसिटी मतलब होता है एक तीव्रता से उसको एक्सप्रेस किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, और इसको एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल में फॉर्म किया जाता है और इसमें एक रिदम होती है. रिदम क्या होती है, जैसे हम नर्सरी और केजी क्लासेस में भी पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, द लास्ट वर्ड्स ऑफ दिस पोइम, द एवरी लाइन लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्टार एंड हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. स्टार एंड आर बोथ आर द राइम. जो रिदम होती है ना उसको हम राइम बोलते हैं. पोइट्री में ये रिदम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. फॉर्म्स कोलेक्टिवली, पोइम्स कोलेक्टिवली और एज अ जॉनर ऑफ लिटरेचर. ये एक जॉनर होता है लिटरेचर का पोइट्री. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. एक क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. कौन है इंग्लिश पोइट्री के फादर, किसको कहा जाता है. जॉफ्री चौसर. जॉफ्री चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. नंबर टू प्रोज. दिस इज़ द सेकेंड बेसिक फॉर्म ऑफ लिटरेचर. प्रोज रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर. ये जो रिटन और स्पोकन लैंग्वेज होती है बिल्कुल ऑर्डिनरी आम सी साधारण से फॉर्म में, और इसमें कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता. जैसे इसमें होता है रिदम होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता प्रोज में. और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, फोर टाइप्स ऑफ प्रोज हैं. देर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोज विच आर फिक्शनल प्रोज. इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है, नॉवल्स, नोवेलास, शॉर्ट स्टोरीज. एंड सेकेंड इज नॉन फिक्शन प्रोज, इसमें बायोग्राफीज, एसेज एंड जर्नल्स. देन हीरोइक प्रोज. हीरोइक प्रोज में क्या क्या इंक्लूड है, लेजेंड्स एंड टेल्स. नंबर फोर पोइट्री प्रोज. पोइट्री प्रोज क्या होता है, पोइट्री रिटन इन द प्रोज इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड्स बट मेंटेनिंग पोइटिक क्वालिटीज. ये पोइट्री रिटन इन अ प्रोज क्या होता है, इसमें वर्ड्स यूज होता है, इसको पोइट्री की क्वालिटीज को मेंटेन किया जाता है, मगर ये प्रोज में लिखी जाती है. पोइट्री की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है मगर ये लिखी वर्ड्स में जाती है, इसको हम पोइटिक प्रोज बोलते हैं. इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, इसको हम पोइटिक प्रोज बोलते हैं. दिस इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोज. हु इज़ द फादर ऑफ प्रोज, विलियम टैंडेल. विलियम टैंडेल इज़ द फादर ऑफ प्रोज. नंबर थ्री फिक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय फिक्शन. Literature in the form of prose, especially novels that describe imaginary events and people. ये भी एक literature का form होता है, prose में ही होता है. और especially novel, especially को हम novels को में novel include करते हैं जो describe करते हैं imaginary. इसमें कोई real नहीं होता, सभी fictional और imaginary events होते हैं, और imaginary ही पीपल्स होती हैं उसको हम फिक्शन बोलते हैं. टाइप्स ऑफ फिक्शन. टाइप ऑफ फिक्शंस कितने हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिक्शन. नॉवेल्स. नॉवल क्या होते हैं, ये इमेजिनरी इवेंट्स होते हैं, और
पीपल होते हैं, ये बहुत ही लेंदी होते हैं नॉवेल्स। शॉर्ट स्टोरी क्या होते हैं, इसमें भी इमेजिनरी इवेंट्स और पीपल होते हैं बट ये शॉर्ट होते हैं। नॉवेलास क्या होते हैं, नॉवेलास क्या होते हैं, अ शॉर्ट नॉवल, नॉवल से शॉर्ट होते हैं और लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी से लॉन्ग होते हैं और नॉवल से छोटे होते हैं, उसको हम नॉवेलास बोलते हैं। क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल्स। सर वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड हेनरी फील्डिंग द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। सर वॉल्टर स्कॉट ने बोला था, उन्होंने बोला, क्या बोला था, हेनरी फील्डिंग को बोला है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। सो हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, हेनरी फील्डिंग। इससे आप दो क्वेश्चन बनते हैं, हु कॉल्ड द हेनरी फील्डिंग द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, सर वॉल्टर स्कॉट, एंड हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, द आंसर इज हेनरी फील्डिंग। विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल, डॉन क्विक्सोट by मैग्यूल डे सर्वेंट्स, माफ करना अगर मैं गलत प्रनाउंस कर रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, गाय डे मॉपेसेंट, गाय डे मॉपेसेंट इज द फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज। नंबर फोर नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन क्या होता है, प्रोज राइटिंग दैट इज इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल रादर देन फिक्शन। ये इसमें कोई इमेजिनरी नहीं होता, कोई इमेजिनरी इवेंट और पीपल नहीं होता, ये वो प्रोज राइटिंग होती है जो इंफॉर्मेटिव होती है और फैक्ट्स पे रिलेटेड होती है रादर देन फिक्शन, उसको हम नॉन फिक्शंस बोलते हैं। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शंस, नंबर वन इज नरेटिव, नंबर टू इज एक्सपोजिस्ट्री लिटरेचर, नंबर थ्री इज ट्रेडिशनल, नंबर फोर इज अ ब्राउजेबल और नंबर फाइव इज एक्टिव। नंबर फाइव बेसिक फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज ड्रामा, ड्रामा इज द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन, दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस, अ प्ले, ओपेरा, माइम, बैलेट एट्सेट्रा। ड्रामा एक स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन होता है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे प्ले हो सकता है, ओपेरा, माइम, बैलेट्स एंड परफॉर्म्ड इन अ थिएटर, इसको परफॉर्म किया जाता है थिएटर में और ऑन रेडियो और टेलीविजन रेडियो पे इनको परफॉर्म किया जाता है। दीज आर द लिटरेरी वर्क्स जो जिसको हम परफॉर्म करते हैं और इसको हम बोलते हैं ड्रामा, और ये फिक्शनल होते हैं ये भी। ओके, देर आर फोर टाइप्स ऑफ ड्रामा आर कॉमेडी, नंबर टू ट्रेजेडी, नंबर थ्री ट्रेजिक कॉमेडी, नंबर फोर इज मेलोड्रामा। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, William Shakespeare is known as the father of English drama. Who is the father of English dramatic poetry? Marlowe. आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये बहुत ही नॉलेजेबल और पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।